हेलो, वेलकम टू मिस्टर इंटू। सो देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केसी, क्यूसी एंड जी। सी, हम लोगों ने पता है केसी की इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी का मतलब जो इक्विलिब्रियम आने से पहले जो भी रेशियो होता है, एंड जी यहाँ पर इसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशन है। सी, सबसे पहले तो हम एक बात कर लेते हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली होता क्या है। सी, गिब्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनामिक टर्म है जिसमें हम कोई सिस्टम रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। सी, थर्मोडायनामिक्स एक वो ब्रांच है जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी क्या है। मान लीजिए, अगर कल को मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि मुझे प्रोडक्ट देने वाला है पी, या मान लेते हैं अगर मैं लिखता हूँ ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी विच इज़ गोइंग टू गिव मी सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, या एक एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन प्लस 3 times हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव मी 2 times अमोनिया NH3। मेरा क्वेश्चन ये है, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसे बताता कौन है? हाउ डू वी कम टू नो वेदर ये रिएक्शन होता है या रिएक्शन होगा, नहीं होगा, अपने आप होगा कि करवाना पड़ेगा? तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पहाड़ है इस तरीके से, और मैं यहाँ एक मैं आदमी हूँ जो मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, मुझे ऊपर जाना है, क्या मैं अपने आप ऊपर जाऊँगा या मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली बात है, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। हम कहते हैं नीचे से ऊपर चढ़ना, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं कि भी करवाना पड़ रहा। लेकिन अगर एक बार मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँ और अगर ऊपर से कोई मुझे सिर्फ लात मार दे या धक्का मार दे, मैं अपने आप नीचे आके करूँगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली कोई रिएक्टेंट आपस में अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें उसे मजबूर नहीं करना पड़ता, हम उस रिएक्शन को कहते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मुझे उस रिएक्शन को करवाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज कर करके करवाना पड़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना, वो हमको इसी चीज़ के बारे में बता दे। मैं अभी गिब्स फ्री एनर्जी के डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा बहुत इसे पढ़ा होगा। अगर कोई 11th का बच्चा इस कोर्स को देख रहा है तो आपको 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है। मैं बहुत सारी जगहों पे तो CBSE वगैरह में तो 11th में ही गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, आपको वक्त के साथ ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये क्या बताता है, टॉक्स अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये उसके बारे में बताता। इसका फार्मूला क्या है? सी, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं एक एक टर्म को इन्वॉल्व कर देता हूँ। इसको कहा जाता है एंथैल्पी, यानी जब वो रिएक्शन होगा तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। टी फॉर टेम्परेचर आपको पता है। डेल्टा एस को कहा जाता है एंट्रोपी। क्या कहा जाता है? एंट्रोपी। और ये आपका हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। ना, ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर आपका रिएक्शन एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, आई होप आप लोगों को पता होगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है। 1 atmosphere, रूम टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन NTP STP हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई रिएक्शन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है उसकी, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो हम डेल्टा जी नॉट लगा देते हैं, दैट इज़ डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये किसके लिए है? रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता और आप लोगों को स्टैंडर्ड कंडीशन 11th के टॉपिक्स में पढ़ाया जाता मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री में STP NTP का मतलब क्या होता। अब ये दो फार्मूले हमारे काम के हैं। अब इन दो फार्मूले का आपस में क्या रिलेशन है? भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर कोई रिएक्शन होता है और अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर कोई रिएक्शन होता है, तो क्या उनके गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? जी हाँ है। और वो रिलेशन हमसे ये कहता है कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln of Q। Now what is this ln of Q? ln का मतलब होता है नेचुरल log। क्या होता है? नेचुरल log। जैसे कि आप जैसे लिखते हो log to the base 10, वैसे ही अगर log to the base e लिखा जाए उसे हम कहते हैं नेचुरल log ln। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो log to the base 10 में, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कन्वर्जन फैक्टर आप अपने पास कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। ये 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ही लॉग एंटी लॉग को सिखा दिया जाता है। BSc MSc के बच्चों को ये आना चाहिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेचुरल लॉग है। तो ये रिलेशन है एक नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, एक रिएक्शन की नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का और एक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का। एक बात याद रखिएगा, ये वैल्यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड कंडीशन कॉन्स्टेंट है
अब स्टैंडर्ड कंडीशन का तो मतलब कॉन्सेंट ही वैल्यू हो गई, कॉन्सेंट कंडीशन हो गई, ये वैल्यू हमेशा कॉन्सेंट होगी एंड दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी नॉट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है जो कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूँ, आप जब इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे, इन दोनों इस इक्वेशन को देख लेते हैं मेन, तो अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम, अब भाई इक्विलिब्रियम अगर आ जाता है तो ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया स्टैंडर्ड वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कुछ तो वैल्यू है कि एक कंडीशन पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन पे कुछ वैल्यू होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटमॉस्फेयर पे कुछ वैल्यू होगी, 0 केल्विन पे, 1 एटमॉस्फेयर कुछ तो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होती अगर एसटीपी लेके चलते हो। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम लेके आते हो ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होती अगर एसटीपी लेके चलते हो, पर जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम जीरो विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब मैं क्यों नहीं लिखूंगा, अब मैं उसे क्या लिखूंगा, के सी। सी आप रिएक्शन कोटेंट तब तक लिखते हो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, मतलब ये इक्वेशन आप नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यूज कर सकते हो। अगर कोई रिएक्शन चल रहा है और वो अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं आया है तो उसके नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, और उस समय मुझे क्यू सी लिखना पड़ेगा। पर जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, ये जीरो नहीं होती है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और क्यू सी की जगह क्या आ जाता है, के सी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू सी विल बी इक्वल टू के सी एंड डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो, आपका इक्वेशन ये बन गया। तो कैन आई से डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा जी नॉट माइनस डिवाइडेड बाय आर टी विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के सी। सी हमारे पास ये दो फार्मूले मिल गए, एक फार्मूला ये मिल गया, एक फार्मूला ये मिल गया। दिस फार्मूला इज़ रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस फार्मूले को बाय हार्ट रखना, ये फार्मूला बहुत काम का है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है। और एक फार्मूला मुझे ये मिल गया, यहाँ पे इसके बारे में ये लिख लेना। अब एक काम करते हैं, इस फार्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मिला मुझे, नेचुरल लॉग ऑफ के सी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। एक काम करिए, नेचुरल लॉग की जगह लॉग ले लीजिए, तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। एक काम कीजिए, लॉग टू द बेस 10 को वहीं पे रख दीजिए, के सी को वहीं पे रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। अब मुझे अगर सिर्फ के सी चाहिए तो यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, पहला। अब अगर एंटी लॉग नहीं लिखना चाहते तो 10 टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला फार्मूला ये बना। सी दूसरा फार्मूला हम यहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अगर मुझे केसी हटाना है, अगर मुझे सिर्फ केसी चाहिए नेचुरल लॉग हटाना है तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, ये फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी ई रेस टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। क्या फ़र्क है दोनों इक्वेशंस में, सी यहाँ पे नेचुरल लॉग का मतलब समझे, व्हाट इज नेचुरल लॉग का मतलब, लॉग टू द बेस ई, तो अगर मुझे लॉग हटाना है तो यहाँ ई रेस टू पावर में चला जाएगा, सिंपल लॉगरिथम का फॉर्मूला है। अगर लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए इज बी तो ए विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर बी, मतलब ए विल बी इक्वल टू जो भी ए है 10 के पावर में चला जाएगा। अब नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे एक और स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग टू द बेस ई ऑफ के सी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब मुझे सिर्फ के सी चाहिए, आई जस्ट ओनली वॉन्ट के सी, तो बताइए क्या हो जाएगा, लॉग हटेगा तो ये ई है, यहाँ पे बेस ई है, तो ई रेस टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उस ई को कन्वर्ट करके लॉग टू द बेस 10 कर दूँ या मल्टीप्लीकेशन कर दूँ मैं यहाँ पे, तो अब मल्टीप्लाई किया या लॉग टू द बेस 10 आया, तो अगर मुझे सिर्फ के सी चाहिए तो लॉग हटेगा तो 10 टू दी पावर में जाएगा, और 10 टू दी पावर में जब कोई चीज़ जाती है तो उसे एंटी लॉग कहते हैं। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ मेरे पास के सी के ये चार फॉर्मूले बनते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने के, अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी दी हुई है। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पे हम ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और निकाल सकते हैं, जैसे देखो भाई
हमें ये तो पता चल गया डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ के सी, और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी पता है, सी देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे इरेज करनी पड़ेगी, चलो ट्राई करते हैं। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी ऑफ एल एन ऑफ के सी। वॉट इज डेल्टा जी नॉट? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। क्या हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं और के सी को अब निकाल सकते हैं? माइनस को अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। अब अगर मुझे सिर्फ के सी चाहिए, इफ़ आई ओनली वॉन्ट के सी, मुझे बताइए क्या हो जाएगा? तो आर टी यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर आर टी वहाँ डिवाइड में जाएगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये पहला फॉर्मूला, क्योंकि आर टी आ गया, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। सो ये मुझे मिल गया फिफ्थ फार्मूला, जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय, मैं हट जाता हूँ, दिस विल बी आर टी। ये केसी के फार्मूलेज को लिख लेना, दीज आर थर्मोडाइनमिक फार्मूला जो मुझे बहुत काम आने वाले हैं। तो इन फार्मूलेज को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, एंड नॉट ओनली यहाँ बनेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे होने वाले हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन केसी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड क्यूसी। क्यूसी का रिलेशन तो सिर्फ यहीं तक था, क्यूसी का रिलेशन तो इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर वो केसी हो जाता, डेल्टा जी गायब हो जाता। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, प्लीज़ इन फार्मूलेज को याद रखना, दीज फार्मूलाज विल हेल्प यू अलॉट, एंड इसको बाय हार्ट करके कहीं पे लिख लो अच्छे से ढंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में।